तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वी लुकअप की सेकेंड चैप्टर को सीखने जा रहे हैं और हमारे साथ भूपेश तोमर जी जूम ऐप पे हैं। भूपेश जी, हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था वी लुकअप, राइट? वी लुकअप का मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बताया था, उसमें कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं था। वी लुकअप में मैच, वी लुकअप में एरे, वी लुकअप में कॉलन जो इस्तेमाल होता है उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस किया था, राइट? जी। तो सर, आज हम आगे बढ़ेंगे और साथ में आज हम एक फाइल भी आपको देंगे एनालिसिस के लिए जो कि वी लुकअप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वी लुकअप में। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आप जो लुकअप करेंगे तो आपकी जो यूनिक आईडी है वो स्टार्ट में होनी चाहिए, राइट? लेकिन मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरा यूनिक आईडी जो है यूनिक आईडी बीच में है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आईडी है, तो अब इसको हम कैसे करें, क्योंकि इस पे वी लुकअप तो लगेगा नहीं। अगर वी लुकअप लगाने की कोशिश करते हैं तो दो चीजें करनी पड़ेगी। खाए तो मुझे आईडी को कॉपी करके सबसे फर्स्ट में ऐड करना पड़ेगा, या फिर मुझे आईडी के बाद सिर्फ इतना ही डेटा को लुकअप करना होगा। लेकिन ऐसा मैं करना नहीं चाहता, डेटा को चेंज नहीं करना चाहता हूं और लुकअप मुझे पूरा का पूरा करना है। फिर यहां पे हम आईडी देते हैं और यहां पे यूज करते हैं मुझे चाहिए इसमें से मान लीजिए सैलरी। तो क्या करें, जैसे मैंने आईडी अगर 5 चाहिए तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला मैच का है, याद होगा। मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को लुकअप करता है एंड कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। 5 आ गया, मतलब अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि 5 क्यों आया। 10 कर देता हूँ, तो ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए 13 का चाहिए, तो 13 का यहाँ 5 आ रहा है ना सर, ऐसे इसने काउंट किया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो मैच फॉर्मूला है वो मैच फॉर्मूला रो नंबर नहीं देता है, ऐसा नहीं ये 5 दिया है, वो रो इंडेक्स नंबर देता है। कि अगर मैंने इसकी सिलेक्शन, मैंने आईडी सिलेक्ट कर रखा हो, मैं यहाँ इससे सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ आईडी को इतना दिया, ऊपर हेडिंग छोड़ दिया, ये 4 देगा आपको, क्योंकि नहीं यहां से काउंट किया कि 1 2 3 4 और इसने 4 आपको दे दिया, ठीक है? ओके। अगर मैं आईडी से लिया तो 5 होगा, फिर 5 आपको दे दिया। तो जो भी हम यहाँ पे नंबर डालेंगे उसका रो इंडेक्स नंबर हमें शो कर देगा, ठीक है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि इसके अंदर में आप एक डेटा को सिलेक्ट कर ले, चाहे डेटा एरे फॉर्मेट में हो या नॉर्मल हो। अब इसमें मैं रो नंबर डालूंगा, अगर इसमें मैं रो नंबर डालूंगा तो यहाँ पे मैच लगा दो, और इस मैच इसमें चाहिए नंबर, मान लीजिए मुझे 14 का चाहिए, तो यहाँ 14 का दिखा मैंने कि 6 नंबर पे है तो 6 दिया, और यहाँ पे मुझे चाहिए क्या सैलरी, तो सैलरी है पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पे आएगा और एंटर मारा, रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कल के डेट में यहाँ पे मुझे 17 का चाहिए, तो मुझे यहाँ 17 का रो इंडेक्स नंबर 9 है, मुझे यहाँ 9 को 6 के जगह पे 9 लिखना पड़ेगा। तो जो हम मैनुअली लिखे उससे अच्छा क्यों ना हम जहाँ पे 9 है वहां पे हम मैच फॉर्मूला इंक्लूड कर दें। हो गया? Yes. अब बिल्कुल वी लुकअप की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है सर? लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है, बताता हूं आपको। कि मुझे अगर डेटा कल के डेट पे इंक्रीज होता है तो मुझे पूरा डेटा को इंक्रीज करना पड़ेगा,
समझ गए। अगर डेटा इंक्रीज होता है तो मुझे फिर से जाके इस टेबल को रीसेलेक्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, इसके लिए इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं नहीं टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला है। ऑफसेट का फॉर्मूला मैच के तरह ही वर्क करता है, ठीक है, मैच के तरह ही वर्क करता है, लेकिन मुझे इसमें देना होता है सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, और फिर जो हम रो नंबर देंगे और जो हम कॉलम नंबर देंगे उसका डेटा लुकअप कर देगा। आप सोचे होंगे सर यहाँ पे तो रो नंबर 12 है, कॉलम नंबर 3 है, बट यहाँ पे आपने रो नंबर 11 कॉलम नंबर 2 एक कम क्यों डाला। तो ऑफसेट की जो गिनती होती है जीरो से होती है सर, वो गिनती जीरो से करता है। yes. तो इसने यहां से लिखा जीरो, वन टू थ्री, यहाँ 12 उसका 11 बनेगा, ठीक है, ओके, और 3 इसका 2 बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें स्टार्टिंग का डेटा सिलेक्ट करना, अगर डेटा नीचे बढ़ता है आगे बढ़ता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर इस 11 के जगह पे हम मैच का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम -1 दे देते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। इसमें इसमें कॉलम्स को डायनेमिक कैसे करेंगे हम, मैच लगा दीजिए यहाँ भी आप कॉलम में भी। लाइक अभी तो यहाँ पे सैलरी देख रहे हैं हम, ठीक है, सैलरी के साथ में अगर हमें ओवरटाइम देखना है या डिपार्टमेंट चेक करना है। हाँ तो यहाँ पे याद जैसे वी लुकअप ने हमने किया था, अगर इंडेक्स में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला मैच और मैच में हमने सैलरी को सिलेक्ट किया और फिर हम सिलेक्ट करते हैं अपने इस डेटा को, ठीक है, हेडर जीरो। बट याद रखिएगा इसमें कीजिएगा तो एक माइनस कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ऑफसेट माइनस, ठीक है। हाँ अब डेटा हमारा वर्टिकल था इसे वी लुकअप मैच लगा। अगर मान लीजिए इसी डेटा को मैं करता हूँ हॉरिजॉन्टल, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और मैंने इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे 14 नंबर की क्या चाहिए, 14 नंबर का मुझे यहाँ पे मंथ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वी लुकअप तो लगेगा नहीं, हम यहाँ लगाएंगे एच लुकअप। एच लुकअप भी बिल्कुल वी लुकअप की तरह वर्क करता है, बस इसमें हम कॉलन के जगह पे रो को सिलेक्ट करते हैं और कॉलम इंडेक्स की जगह पे रो इंडेक्स नंबर तो क्या है 6 को सिलेक्ट किया एंड कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट। यहाँ भी अगर मान लीजिए कि आपको ऑटोमेट करना है तो कॉलम नंबर की जगह पे आप यहाँ पे मैच का फॉर्मूला इस्तेमाल करें और मैच के फॉर्मूले में आप जो है मंथ को सिलेक्ट किया एंड आप इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए एंड कॉमा 0, ठीक है। और जैसे हमने मैच जैसे हमने यहाँ पे वी लुकअप मैच लगाया, इसको हम लोग मैच और इंडेक्स से भी निकाल सकते थे। कैसे, देखिए इंडेक्स फॉर्मूला लगाएंगे और पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे, रो नंबर के लिए फिर आपस यहाँ पे मैच लगाएंगे
और हम नहीं कॉलर नंबर के लिए हम इसमें से नहीं, इसमें रो नंबर ना चाहिए, माफ कीजिएगा रो नंबर चाहिए ना, तो रो नंबर में मैच इसको, हाँ इसको सिलेक्ट किए एंड कॉमा हमने हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया, रो नंबर रो हेडिंग में है ना, है इसलिए उल्टा करेंगे ना, और फिर हमें कॉलर नंबर के लिए अगेन मैच लगेगा जिसमें हमने इसको यूज किया और यहाँ ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है, कॉमा जीरो, और डेटा आपका लुकअप हो जाएगा, हो गया। और मैच और ऑफसेट लगा सकते हैं, मैच और इंडेक्स लगा सकते हैं, तो हम लोग मैच और ऑफसेट भी लगा सकते हैं, सेट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट और हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कॉमा, हम रो के लिए वापस मैच, मैच में मंथ को लिए कॉमा, और हम डेटा को सिलेक्ट कर लिया कॉमा जीरो, और हम माइनस वन करेंगे क्योंकि ऑफसेट जीरो से काउंट करता है, और फिर वापस मैच, मैच में हम इसको इसको सिलेक्ट करते हैं नंबर को, एंड हम इसको सिलेक्ट करते हैं डेटा में, एंड कॉमा जीरो जीरो और माइनस वन, ठीक है, यस समझ आ गया, बिल्कुल ओके। अब वी लुकअप लगाते समय हमेशा हम लोग जीरो देते हैं, मतलब फॉल्स देते हैं, तो एग्जैक्ट मैच के लिए वन कब देंगे इसके बारे में भी चलिए हम आपके बात बात करते हैं। मेरे पास एक छोटा सा मैंने डेटा बनाया, आप यहां देखिए एक छोटा सा हमारा डेटा है, अब इस डेटा में 0 से 40, 41 से 80, 81 से 100 एंड ग्रेटर देन 100, याद होगा इस पे मैंने इफ फॉर्मूला का बताया था। अब मैं इसको वी लुकअप से करने की कोशिश कर रहा हूं, ओके तो कैसे करेंगे वी लुकअप से, तो याद रखिएगा इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन पॉइंट है ना वो रख देंगे, जैसे 0 पे 500, 41 पे 1000, 81 पे 2000 एंड 101 पे 3000, और फिर लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप का, वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट किया एंड कॉमा 2, 0, तो ये क्या जीरो कर दिया तो मैच नहीं किया क्योंकि एग्जैक्ट मैच था, यहां पे वन या ट्रू करना पड़ेगा, तो ग्रुप लुकिंग किया, इसने देखा कि 19 किसके बीच में फिट होता है, तो 0 से लेके 41 के बीच में है, इसलिए इसने इसका रूल दिया, ठीक है ओके। अगर मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ 55 कर देता हूँ तो 1000, 55 इन दोनों के रेंज में है इसलिए, तो ये आपका सिक्वेंसली होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये नहीं ये जैसा तेज मजे डाले, लेकिन आपका जहां से डेटा लुकअप कर रहा है वो सिक्वेंस होना चाहिए क्योंकि ग्रुप लुकिंग करता है सर ये, ओके ठीक है। या इसका एक और दूसरा फॉर्मूला है लुकअप का, एक लुकअप नाम का ही फॉर्मूला है जो कि सिर्फ इसी काम के लिए बना हुआ है, लुकअप यहाँ पे लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन लुकअप का एक बेनिफिट है कि आप डेटा इसी के अंदर डाल सकते हो, मतलब स्पेशली यहां रखने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले बार में ही अपनी कंडीशन दे दीजिए कि 0, 41, 81, 101 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये आपका लुकअप वेक्टर हो गया, ये आपका रिजल्ट वेक्टर, 500, 1000, 2000, 3000 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ये सही है सर, ठीक है। अब नॉर्मली वी लुकअप मैच इंडेक्स लुकअप मेथड लुकअप रेफरेंसेस फॉर्मूला आपका यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दो से तीन क्लास और दूंगा किस पे, लुकअप ट्रिक्स पे, ओके ओके। तो आप जो क्लास स्टार्ट होगी हमारे लुकअप के ट्रिक्स पे होगी, लेकिन उससे पहले एक फाइल आपको एनालाइज करना होगा,
देखिए मेरे मेरी फाइल नहीं है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है और मैंने शुरुआती में भी इसको देख कर सीखा था। ये वी लुकअप शार्क वीक करके आता है, इसमें 25 एग्जाम्पल है वी लुकअप के, ठीक है ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी लुकअप यहाँ दिख रहा होगा, ये नाम लगा दिया, वी लुकअप निकाला। यहाँ पे देखिए ग्रुप लुकिंग के लिए बताया, यहाँ पे ग्रुप लुकिंग है ना, हाँ ये ग्रुप लुकिंग रहा ना, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कमीशन निकाला हुआ है। तो ये आपको अलग अलग शीट पे अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं, इसको एक बार समझने की कोशिश करें सर। इसमें देखिए फुल रिकॉर्ड में यहाँ पे वी लुकअप नॉर्मल लगाया हुआ है, ऊपर देखिए ये हेडिंग दे दिया ना सर। यहाँ पे आपका कॉलम का फॉर्मूला लगाया जो कि मैंने बताया था। यहाँ पे इसने रो का फॉर्मूला लगाया हुआ है क्योंकि डेटा रो वाइज है। फिर इसमें यहाँ पे मैच लगाया हुआ है, तो टू लुकअप वैल्यू, दो लुकअप को कैसे वैल्यू करेगा, यहाँ पे देखा है चूज लगाया हुआ है। तो एक बार इसको आप लोग ध्यान से एक बार देखिए, ठीक है। ठीक है, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, इससे क्या होगा कि वी लुकअप के बारे में और ज्यादा आइडिया आपको मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर हम इससे आगे जो है हम आपको कल बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से हम लुकअप के ऊपर ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक ये भी बताना कि मल्टीपल शीट में लुकअप कैसे लगाना है। हाँ वो तो ये आपके फाइल में दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा सर। मल्टी शीट वी लुकअप कहते हैं उसको, हाँ ओके ठीक है। ठीक है, ओके फाइल भेज दिया, एनालाइज कीजिए और कल मिलेंगे सेम टाइम, और अभी 9 बजे वाले मिलेंगे इंसान।